राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा आगामी 21 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस को यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा ने जानकारी साझा की और बताया कि भारत जोड़ो यात्रा एक संकल्प है उन सभी भारतीयों को साथ जोड़ने का जिन्हें भारत की विविधता, एकता, सबकी समानता और संविधान में विश्वास है। 3500 किलोमीटर की इस ऐतिहासिक यात्रा में राहुल गांधी के साथ जो जनसैलाब चल रहा है, वो देश में चल रही महंगाई, बेरोजगारी, नफरत तथा अलगाववादी ताकतों के विरुद्ध एक बुलंद आवाज है। यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है और हर दिन ये यात्रा 25 से 30 किलोमीटर तक चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में नवंबर माह के अंतिम चरण में प्रवेश करेगी। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी भारतीयों को ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ने को आमंत्रित किया। आगामी 21 नवंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। इस यात्रा के तारतम्य में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस को माननीय कमलनाथ जी के द्वारा विशेष रूप से जवाबदारियां सौंपी गई हैं और प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रांत भूरिया जी के निर्देश अनुसार आज पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे नफरत, डर, झूठ फरेब, महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि कुछ दिनों पूर्व में हैदराबाद में माननीय राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल होने का और उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह यात्रा मध्य प्रदेश में 21 तारीख को बुरहानपुर में प्रवेश कर रही है। युवक कांग्रेस को पूरे प्रदेश में जवाबदारी दी गई है कि पीले चावल और आमंत्रण पत्र लेकर घर घर जाना है और लोगों को इस यात्रा में आमंत्रित करना है आमजन को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी को इस यात्रा में सादर आमंत्रित करता हूं। देश के चौथे स्तंभ को इस यात्रा में आमंत्रित करता हूं।